इसका ये न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हर रोज की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और ये जो जबरदस्त सेल ऑफ चल रहा है मार्केट में, क्या ये सेल ऑफ और बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ पे थमेगा। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 11,700 को तोड़ के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 119 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी आज गिर के बंद हुआ है। गिरावट की वजह आप सभी लोगों को पता है, जिस तरीके से डाओ यहाँ पे गिर रहा है, ऑलमोस्ट 2 दिन में 2,000 पॉइंट गिर चुका है और आज भी डाओ फ्यूचर यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड कर रहा था 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये जो बेसिकली एक कह सकते हैं एक बुरा सिनेरियो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है और कोरोना वायरस का जो इफेक्ट यूरोप के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से और डाओ यहाँ पे तेज़ी से गिर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आज के ऑप्शन चेन डाटा पे, तो देखते हैं सबसे पहले देखिए चार्ट की बात करें, तो ये कल का चार्ट था जिसको हमने समझने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैंने बोला था कि इस चैनल के अंदर आप आ जाओगे तो वैसे ही इस चैनल का जो टारगेट है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी 100 पॉइंट की सीधी सीधी गिरावट थी। बट हुआ क्या, हम एक गैप डाउन ओपनिंग खुले और गैप डाउन ओपनिंग कहाँ खुले, करीब करीब 11,750 के आसपास हम एक गैप डाउन ओपनिंग खुले और उसके बाद सीधा ही हम गिर गए, यानी हमें सेल करने का मौका नहीं मिला। एक बार रिकवरी आई भी थी तो ऊपर के लेवल पे, वहाँ पे जिसने बेचा होगा उसको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल गया होगा। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए देखने वाली चीज़ें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली ये है कि सबसे पहले देखो डाओ फ्यूचर स्टिल आज भी नेगेटिव काम कर रहा है, यानी 2,000 पॉइंट की गिरावट के बाद भी आज नेगेटिव काम कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि अभी भी वहाँ पे सेलिंग बची है, इतना ओवरसोल्ड मार्केट होने के बावजूद सेलिंग बची है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये 6 महीने का चार्ट है डाओ का, ठीक है। अभी डाओ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जो इसका सपोर्ट होता था वो करीब करीब आपका 27,400 और 500 की रेंज में आता था, तो उसको इसने तोड़ दिया है। अभी ये 27,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीब करीब 26,000 का है, यानी डाओ में अभी भी 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये जो गिरावट है क्या ये 1-2 दिन में देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी गिरावट आई है वो न्यूज़ बेस्ड है। न्यूज़ बेस्ड पे क्या होता है, क्योंकि इवेंट सिंपल सी चीज़ें, जब न्यूज़ चल रही है मार्केट में, लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, तो उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या है, ना आपका ऑप्शन चेन काम आता है, ना आपका टेक्निकल डाटा काम आता है। इसमें जो चीज़ काम आती है वो आती है कि आप न्यूज़ पे फोकस रखिए। अगर आपको न्यूज़ पॉजिटिव आती हुई दिखाई देगी तो ये बाउंस भी इतनी तेज़ी से ही होगा जितनी तेज़ी से ये गिरा है, क्योंकि इफ़ेक्ट यही चीज़ होती है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। अब हमारा मार्केट में हम देखें तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारा ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट एक बार रुक सकता है 11,634 का। रुक सकता है का मतलब ये है कि अगर डाओ यहाँ पे इसी जगह फ्लैट क्लोजिंग देता है या फिर यहाँ पे रुक जाता है, फर्दर गिरावट नहीं दिखाता है, तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए जो अब टारगेट होंगे वो 11,500 के खुलते हुए दिखाई देंगे। सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझ के रखिए। अब है कल एक्सपायरी, तो कल एक्सपायरी पे क्या हम बाउंस बैक करेंगे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 11,800 से बात करते हैं। 11,800 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहा है, यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है। देखो हर लेवल पे पुट की अनवाइंडिंग चल रही है। 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल रह गया है, 11 लाख ऑलमोस्ट 11.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज घट गया है। वहीं अगर 11,800 की कॉल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 32 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट इस जगह आ गया है। वहीं अगर हम 11,700 की बात करते हैं तो 11,700 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो 30,33,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। समझना, 30,33,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट पे और 11,700 की कॉल पे 20,41,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मतलब हम 11,700 के नीचे क्लोज हुए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 22 पॉइंट। बट अभी भी 11,700 पे ये जो पुट राइटर्स हैं इनका ओपन इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पे लगभग लगभग 3,18,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब दो चीज़ें हैं।
कि अगर हम कल, अगर आज दाम में कोई फर्दर गिरावट नहीं देखने को मिलती है और अगर हम कल फ्लैट खुलते हैं, तो इट्स विल बी द चांसेस कि यहाँ पे जो एक्सपायरी है वो 11,700-11,800 के बीच में हो जाए। लेकिन अगर हम 11,700 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं, तो फिर आपको 11,600 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में, और फिर जो एक्सपायरी होगी वो 11,600 के आसपास कहीं हो सकती है, क्योंकि ये फिर पुट राइटर जो है इनकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी ऊपर के लेवल पे, और फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज़ है, अगर हम गैप अप हो जाते हैं, मान लीजिए गैप अप हो जाते हैं 60-70 पॉइंट का, तो वहां पे एक बार सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि अब क्या हो गया, मार्केट ऊपर से इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया, इतनी ज्यादा नेगेटिव पोजिशन हो गई कि ऊपर के हर एक बाउंस पे बिकवाली आती है, तो लोग जो ट्रैप हैं, जो एग्जिट होना चाहते हैं, जिनकी पोजीशन गलत फंस गई है, तो वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से जिन लोगों को बेचने का मौका मिल रहा है वो बिकवाली कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना है इस चीज़, इस वॉलेटिलिटी में ये चीज़ समझ के रखिए। यहाँ पे जो आपका मार्केट का जो रुकने का लेवल होगा वो आपका यही होगा जो आज का यहाँ पे जो हाई है, ये जो हाई है बेसिकली, यहाँ इसके ऊपर मार्केट इतनी जल्दी नहीं निकल पाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इवन 11,750 पे भी मार्केट अटक सकता है, यानी 11,750 से लेके आपका 11,770 का, ये जो 20 पॉइंट का एरिया है इसके अंदर मिलता है मार्केट, तो आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के रखिएगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, प्योरली न्यूज़ बेस पे मार्केट अभी चल रहा है पिछले 2 दिन में, इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है आज, अगर देखा जाए तो देखो बैंक निफ्टी में गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि देखो ये जो कोरोना वायरस का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो 2 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, एक मेटल, दूसरा ऑटो, इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट ला रहा है, और निफ्टी के अंदर मेटल और ऑटो सेक्टर का अच्छा खासा वेटेज है। बैंक निफ्टी सिर्फ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और उनमें सेलिंग नहीं आ रही है, इसलिए बैंक निफ्टी बचा हुआ है। तो निफ्टी इसलिए ज़्यादा गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत है ऑटो सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स होते हैं ना, बहुत से पार्ट्स चाइना से ही आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो यूरोप के जो मेन कंट्रीज हैं उनमें भी ये जो स्प्रेड हुआ है वायरस, तो उसकी वजह से आप टाटा ग्रुप से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि टाटा ग्रुप में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इनमें तेज गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि इनके प्लांट उधर की साइड है। तो ये चीज़ आपको बता रही है कि निफ्टी और भी ज़्यादा गिर सकता है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपका जो मोस्टली जो पोर्शन बना हुआ है वो सेम एज इट इज़ बना हुआ है, आपका कोई भी लेवल टूट रहा है तो उस लेवल पे कॉल राइटिंग बढ़ रही है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। देखो 30,500 पे 7,17,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 30,400 पे क्या रखा है, 30,400 की जो कॉल है वहाँ पे 4,47,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और वहीं अगर हम 30,300 की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वहीं अगर हम 30,200 की बात करते हैं तो 1.5 लाख का है, बट 30,200 की जो पुट है वहाँ पे देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 4,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 30,300 की जो पुट है वहाँ पे 3,60,000। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी में सिर्फ लेवल जो टूटता है उस पर कॉल राइटिंग आती है, लोग एडवांस में जाके डीप इन द मनी में कॉल राइटिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि निफ्टी के अंदर लोग कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर जैसे लेवल टूटता है तो वो डीप इन द मनी जाके कॉल राइटिंग करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, निफ्टी और ज़्यादा वीक हो रहा है। तो जब वीकनेस और बढ़ रही है तो बाउंस बैक भी उतनी तेज़ी से आएगा, बट अभी फ़िलहाल हम बाउंस बैक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ये जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे मार्केट, डाउ जोन कंसोलिडेट करता है 2-3 दिन, तो हमारा मार्केट भी कंसोलिडेट करके देन फिर हम बाउंस बैक की बात करेंगे। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मार्केट का सिनेरियो है वो हो गया कि आपका कोई भी राइस आता है उसमें आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी, तो खरीदने की मत सोचिए, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करने की सोचिएगा अगर वहाँ पे आपको एक मौका मिलता है उस जगह पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप भी ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।